ओके सो हे गाइस वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। मैं उस्ताद बीके ब्लॉग्स यानी कि फिनिक। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि एकदम मस्त में एकदम होंगे। और मैं हूँ इस वक्त घर पे, आई मीन बिहार पे। तो आप लोगों को पता ही है, मैं ब्लॉग देख के मालूम चली गया वे टू बिहार जो आया था। और वो जाइए वहाँ में अच्छा से देखिए और अपना प्यार दिखाइए गाइस। और हम जा रहे हैं इस वक्त ये गर्मी में, जैसे कि नेक्स्ट ब्लॉग में भी हम लोग एडिट कर रहे हैं अभी, ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में भी हम लोग ये देखने को आपको मिलेगा। इतना गर्मी हम लोग मतलब सामान वामान पहुँचाने गया था, लेने गया था। तो चलिए चलते हैं हम लोग और देखते हैं। और अभी का टाइम हुआ है हम लोग का 7 बज रहा है और हम लोग 7 बजे निकलेंगे। और कितना बजे आना है वो तो पता नहीं है। और इधर मीना बेटा, गुड मॉर्निंग नीरज, ओके। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं और पता नहीं कैसा सीन होने वाला है। तो गाइस ये ब्लॉग आपको episode 1 करके दिखाने का, क्योंकि बिहार का episode 1 ब्लॉगिंग ऐसे करके दिखाएगा, क्योंकि episode 1 episode 2 ऐसे दिखाएगा, तो यहाँ का episode 2 दिखाएंगे आपको। तो मेरे साथ वीडियो में तक बने रहिए और चलिए चलते हैं कैसा होता है नज़ारा, क्या होता है और क्या देखने को मिलेगा हम लोग, वो भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा आप सभी को। सो गाइस हम जाएंगे उस बाइक पे, जो कि वो बाइक का राज नहीं बता सकते आप सभी को। और कुछ दिनों के बाद मतलब ये ब्लॉगिंग आपको देखने को मिल जाएगा, वो बाइक में हम लोग किस लिए जा रहे हैं और बाइक क्यों है, किस लिए है, क्या है मेरे पास, तो सब ये सब सभी को मिल मतलब जो है कुछ आपको मिल जाएगा देखने को। और चलिए चलते हैं हम लोग। गैस यहाँ में इतना गर्मी है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है कि पता नहीं चला, क्योंकि इतना गर्मी है यहाँ सुबह सुबह नहा ही नहीं सकते, नहाने से भी बहुत डबल गर्म, क्योंकि यहाँ का आदमी लोग एक बार नहीं दो तीन बार नहाता है, बहुत ज़्यादा नहाता है, क्योंकि गर्मी से यहाँ भाई साहब का ही बोले अभी नहाएगा, अभी थोड़ी गर्मी गर्मी आएगा। तो पता नहीं गैस कैसा हो रहा है यहाँ का सीन, बट मैंने अभी तक तो 3 बार नहा लिया है, आज नहीं नहाया लेकिन कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो। और यहाँ का आनंद वाला सीन मतलब कि खाना पीना है, खाना खाना है पीना है एकदम मस्त से, बिछना पंखा एकदम सो जाना है, यहाँ का लाइफ मस्त लग रहा है, लेकिन लाइफ मस्त नहीं लग रहा है एक्चुअली। यहाँ अभी काम चल रहा है ना, ये लोग अभी काम उम करने के बाद हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे भी से। और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया गया इतना हम लोग, उस दिन आपको बताया था नेक्स्ट ब्लॉग में जब देखने को मिला होगा, मैं 6 बजे बोला था कि हम लोग का वो ब्रेकफास्ट मिल गया, लेकिन गाइस क्या ही बोले गाइस, क्या ही बोल सकते हैं, हाँ का ही बोलेगी। ओके गाइस तो देखिए हम लोग यहाँ पलंग सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ में हम लोग का मेहमान लोग आएगा ना, वो लोग को सोने होने के लिए मतलब फैसिलिटी अच्छा वाला देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा यहाँ घर अभी तक पेंटिंग वेंटिंग नहीं हुआ है। एक्चुअली गाइस पेंटिंग वेंटिंग होने वाला था इस बार, लेकिन इस बार हम लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद नेक्स्ट ईयर आप लोग को देखने को मिल जाएगा पेंटिंग वेंटिंग करके। और मीना यहाँ बहुत ही जोरों से काम चल रहा है, और मीना का यहाँ देख के मालूम चल रहा होगा गाइस, क्योंकि वहाँ में बहुत काम करता था और यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है, और मेहमान वहाँ बैठा हुआ है गाइस, जस्ट ये लोग भी और ओम प्रकाश वहाँ कुछ कर रहे हैं, पता नहीं गाइस क्या होगा आज का सीन एक्चुअली। वो सब दिख रहा है, वो सब लकड़ी जो है ना, वो सब लकड़ी लोग अभी हम लोग उठा के रखा था यहाँ से उठा के जस्ट, और हम लोग तो पता नहीं गाइस क्या ही दिखा सके हम लोग सभी को। ओके सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सुबह एकदम काट उठ देने के, मतलब जैसे कि हम लोग पूजा काट देने के। और इस वक्त मैं आया हूँ ये रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ लालगंज हम लोग का घर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस का है, और यहाँ हम लोग घूमने आए कुछ मेरे दोस्त लोग हैं, यहाँ कुछ दोस्त लोग हैं। अब चलिए पूछते हैं वो लोग से क्या क्या नाम है, आप सबको इंट्रो में दिखा देते नाम। ओके गाइस तो चलिए पूछते हैं नाम, नाम बता दो अपना। मंतोष कुमार। तुम्हारा? धर्मिंदर। फेस दिखा के बोलो। धर्मिंदर, ओके। और इसका नाम है पंकज, जो कि इसको तो पहले से जानता था। और ये है ऋतिक ना, और वो तुम्हारा नाम क्या है? कमलेश। ओके ओके सो गाइस चलिए चलते हैं हम लोग आगे, कुछ देखने का नज़ारा मतलब किस तरह का देखने को मिलेगा वो तो पता नहीं, बट जैसा भी हो दिखाने की कोशिश करें कुछ अच्छा। और इस जो वेदर अभी मतलब बहुत ही मतलब क्या हो चुका है, इसलिए आप नहीं दिखा पाएंगे उतना अच्छा, फिर भी चलिए हम दिखाते हैं वहाँ का, कुछ हो सके तो अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और यहाँ देखिए कुछ हम लोग को इस तरह का भैंसी देखने को मिलता है, और गाइस ये मारता भी हम लोग को, और ये देखिए काला काला। तो गाइस तो चलिए चलते हैं हम लोग।
ओके सो है गाइस, ये कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। लालगंज जंक्शन बोलते हैं, मतलब हम लोग ये 2 साल पुराना है। मतलब अभी यहाँ कोई पैसेंजर इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, लालगंज टू वैशाली जाता है। और देख सकते हैं कि यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 बना हुआ है, 1 और 2। और हालांकि आगे चल के कुछ अच्छा देखने को मिलेगा हम लोग को, तो मैं तो यहीं का हूँ और दिखाऊँगा भी इस वीडियो में और क्या क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को इस तरफ से। ऑलमोस्ट आदमी तो आता नहीं होगा, बट यहाँ एक टाइमिंग दिया गया है कि 8 बजे से खुलता है लालगंज से वैशाली। तो देखिएगा इस किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए पूरा ही, मतलब कोई है नहीं, मतलब आपको लगेगा कि एक तरह का ये आपको मतलब घूमने वाला जगह बोलने से भी होगा क्योंकि यहाँ में कोई आदमी अभी आता ही नहीं है। ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि ट्रेन जब तक नहीं चलेगा तो कोई आएगा ही नहीं ना। तो देखिए इस तरह कुछ देखने को मिल रहा है हम लोग को। ओके सो है गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पूरा घूम कर आ चुके हैं और यहाँ खा रहे हैं रोल। तो देखिए हम रोल बना हुआ है हम लोग का, एक रोल। और यहाँ का प्राइस है, प्राइस यहाँ का 25। और ये भैया कुछ 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 भैया अपना नाम बता दीजिए। नाम जितेंद्र कुमार। सर जोर से बोलिए क्या? जितेंद्र कुमार। और ये जगह पर आप कब से बैठे हुए हैं? काम चल रहा है आपका 2 साल से का, मतलब बिक्री हो जाए सही? ओके ओके गाइस, तो हम लोग पूछ लिए हैं। और यहाँ का रोल काफ़ी टेस्टी होता है और यहाँ आने का आपको यहाँ मिल भी जाएगा, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है ये देखिए। और इसका प्राइस बोले तो यहाँ का ही बोले बहुत ही अच्छा मिलता है। और एक प्राइस एक रोल है 25 एंड डबल है 30। तो आप लोग खाइए तो यहाँ आ जाइए। और मेरे भाई लोग को देखिए यहाँ पर जूस पी रहे एकदम मस्ती से। चलिए हम भी पी लेते हैं और आने के बाद आपसे सुनिए।